अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं एक एंड्रॉयड सैटेलाइट रिसीवर। एंड्रेडो कंपनी का है ये। कुछ इस तरह का इसका बॉक्स है और इस पर कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी हुई, एक साइड पे बस इसका ये मॉडल नंबर लिखा हुआ है और लिखा हुआ है जी हाइब्रिड सैटेलाइट STB। और इसको खोलते हैं, देखते हैं कि ये कैसा है। ऐसे जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले हमें ये रिमोट मिल गया जी, खूबसूरत सा सफ़ेद कलर का एक रिमोट है। और इसके नीचे जी एक इसका 12 वोल्ट का अडॉप्टर है और इसके नीचे जी हमारी डिवाइस मौजूद है। ये जी हमारा रिसीवर मौजूद है। फ्रंट से ये कुछ ऐसा नज़र आता है और साइड से इधर USB और दो मेमोरी कार्ड की पोर्ट मौजूद हैं। इस साइड पे कुछ नहीं है और ये बैक पे इसका ट्यूनर है, एक HDMI पोर्ट है, एक LAN पोर्ट है और 12 वोल्ट अडॉप्टर यहाँ पे लगता है। नीचे इसके यूज़र मैनुअल पड़ा हुआ है। तो अभी इसको TV के साथ लगाते हैं और इसका मेन्यू वगैरह और चेक करते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये कैसा दिखता है और चलने में कैसा है। ये इसका स्टार्टअप में किंग टॉप 2 लिखा आया है। तो एंड्रॉयड रिसीवर है, एंड्रॉयड रिसीवर ज़रा स्टार्ट लेने में थोड़ा सा टाइम लेता है। हाँ, ये इसका जी मेन मेन्यू आ गया है। मैंने इसमें कुछ सैटेलाइट ट्यून कर ली हैं तो उसको भी चेक करते हैं। पहले इसका मेन मेन्यू है, यहाँ पे मेन मेन्यू में को IPTV का ऑप्शन है, VOD, ब्राउज़र, यूट्यूब, कोडी और कुछ ऐप्स हैं इसकी अपनी। ये इसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं और यहाँ ऊपर इसकी सेटिंग वगैरह है। यहाँ पे हम इसको वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क में और ब्लूटूथ डिवाइस, कोई भी माउस या कीबोर्ड वगैरह ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। और नीचे इसकी जनरल सेटिंग वगैरह है। ठीक है जी, बैक चलते हैं। हमने मेनली इसका रिसीवर को चेक करना है तो इसमें कुछ मैं आपको चैनल्स का रिज़ल्ट चेक करवा देता हूँ। ये पॉक्सेट मैंने इसमें ट्यून की है। इस तरह की इसकी कुछ चैनल लिस्ट आती है। दूसरे रिसीवरों से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। इसमें कुछ और सैटेलाइटें भी है, यासेट ट्यून है इसमें जी। यासेट मेरे पास नहीं चल रही, शायद डिश वगैरह हिल गई है। तो यहाँ पे इसका ये मेन्यू है, साइड पे आता है। इंस्टॉलेशन में हम कोई भी सैटेलाइट ट्यून वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। और इसमें सी लाइन भी ऐड हो जाती है। ये नीचे जो DTV का ऑप्शंस नज़र आ रहा है इसके अंदर सी लाइन है। इस ऑप्शन में नीचे है कैम का ऑप्शन इसमें और स्टार्ट कैम। यहाँ पे हम करेंगे नेट क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे हम कोई भी सी लाइन ऐड करके सी लाइन के ज़रिए भी चैनल्स को देख सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा बहुत इसका रिव्यू दे दिया, रिज़ल्ट चेक करवा दिया, मेन्यू वगैरह चेक कर, ये कुछ चैनल चला के आपको इसका रिज़ल्ट दिखा दें। तो दोस्तों यही कुछ है इसमें। और ट्यूनर इसका अच्छा है, बाकी रिसीवरों से जितने चैनल ट्यून करते हैं अच्छे उतने सभी इसने ट्यून किए हैं। तो दोस्तों किसी को ये चाहिए हो तो वो भी मुझसे रابطہ कर सकता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दें। आप दोस्तों का शुक्रिया।